जहां पर जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया है। पश्चिम बंगाल में मचे बवाल के बीच ललन सिंह ने कहा है कि वहां सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, वहां अराजकता का माहौल है। हम सबको आश्चर्य होता है कि वहां के मुख्यमंत्री महिला है और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ जब प्रदर्शन होता है तो वो पानी की बौछार करती हैं, लाठीचार्ज करवाती हैं, आंसू गैस छोड़वाती हैं। ललन सिंह ने यह भी कहा कि जो पश्चिम बंगाल में पहले सीपीएम करती थी वही अब ममता बनर्जी कर रही हैं। जाति गणना पर ललन सिंह ने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मुंह पर टेप चिपक जाता है जब वह कुछ बोलते नहीं है और ममता बनर्जी का साथ देते हैं। पश्चिम बंगाल में कोई सरकार सरकार नाम की चीज नहीं है, वहाँ अराजकता का माहौल है। हम सबों को आश्चर्य होता है कि वहाँ की मुख्यमंत्री महिला है और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ अगर प्रदर्शन होता है तो वो पानी का बौछार करती हैं, लाठी चार्ज करवाती हैं, टीयर गैस छुड़वाती हैं, ये है। और उनको यही भी आप भूल गई, इसी के बल पर वो सत्ता में आई, तो जो काम पहले सीपीएम के लोग करते थे वही काम अब वो कर रहे हैं। कांग्रेस की चुप है सर, सोनिया गांधी महिला है। कांग्रेस पार्टी तो चुप रहेगा ही ना। हमने आपको बताया ना कि जाति आधारित गन्ना पर जब हम लोगों ने प्रस्ताव मूव किया तो राहुल जी के मुंह पर टेप लग गया था। तो कांग्रेस का तो यही हाल है, सत्ता पाने के लिए कुछ भी समझौता कर सकते हैं। एनडीए बहुत ही मजबूत है और एनडीए ताकतवर हो रहा है, आने वाले समय एनडीए का ही।